दीपक केळकर है, मैं एक साइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं अकोला में महाराष्ट्र इंडिया में एज अ साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केळकर हॉस्पिटल। जो टॉपिक मैं आज लेकर आया हूँ वो है पार्ट टू पिछले टॉपिक का, जो था कैनविस मतलब गांजा या भांग के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं मानसिक बीमारियां, उसके बारे में मैं कंटिन्यूएशन में बताने वाला हूँ। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया कि ये गांजा और भांग इतना इम्पोर्टेंट और इतना महत्व का क्यों हो रहा है, उसका कारण ये है कि उसके वजह से, उसका सेवन करने के वजह से बहुत सारी मानसिक बीमारियां इंडिया में हमको पाई जाती है, हमको मिलती है, दिखती है। और अगर भांग और गांजा समय पर न मिला तो उसका क्रेविंग होने के कारण, उसकी चाहत होने के कारण पेशेंट का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। बहुत सारे यंगस्टर्स हम देखते हैं जिनको इसकी लत लग गई है, उनको कंटिन्यूसली भांग गांजा चाहिए ही चाहिए। वो अलग अलग फॉर्म्स में वो लेते हैं, कोई गोली खाता है, कोई चिलम मारता है, कोई डायरेक्टली उसको लेते हैं, या कोई सूंघता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया उसके कारण साइकोसिस मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, उसके कारण मेनिया मतलब बहुत ज्यादा खुशी की लहर हो सकती है, उसके कारण बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं मतलब किसी की भी छेड़छाड़ करना, मारामारी करना, गुस्सा करना, फेंक फाक करना, या घर के पैसे उड़ाना, घर के जो बर्तन है वो बेच डालना, घर का सामान बेच डालना, एंटी सोशल पर्सनैलिटी हो सकती है मतलब खून करना, चोरी करना, या कोई भी स्त्री को छेड़ना, ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण दिख सकते हैं। मैंने पिछली बार बताया कि एंग्जाइटी हो सकती है, वो भी हो सकता है गांजा के कारण। उसके साथ में कैनबिस इंड्यूस डिप्रेशन भी हो सकता है। ऐसे मैंने अलग 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 प्रकार के कैनबिस से हमारे होने वाले जो बीमारी है वो मैंने बताई। और एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कैनबिस के कारण, वो है कि जो फैमिली लाइफ है, जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ के बीच, अपने पेरेंट्स के बीच, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। साथ में ही एकेडमिक मतलब पढ़ाई के ऊपर, सोशल मतलब सामाजिक स्तर पर, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक स्तर पर, और जो करियर है वो पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आदमी को इतना नशा करना पड़ता है कि वो इन सभी चीजों पे फोकस कर नहीं पाता। क्या ये बीमारी अच्छी हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली ये बीमारी क्यूरेबल भी है और ट्रीटेबल भी है। ये बीमारियों को अलग अलग, ये बीमारी के ऊपर अलग अलग दवाइयां उपलब्ध है, जो दवाइयां देकर हम पेशेंट का जो गांजा और जो भांग का सेवन है वो रोक सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको ये दवाई देना, ये दवाई देने के कारण पेशेंट का जो मानसिक संतुलन है वो जो बिगड़ता है वो बिगड़ेगा नहीं, पेशेंट शांत रहेगा और पेशेंट का जो जजमेंट है जो बिगड़ गया है वो स्थिर रहेगा। अलग अलग प्रकार के एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स हमारे पास अवेलेबल है, जो देके पेशेंट को हम शांत कर सकते हैं और पेशेंट को हम लाइन पे ला सकते हैं। साथ में ही अगर पेशेंट ज्यादा वॉयलेंट होता है तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसको हम हमारे नॉर्मल भाषा में शॉक ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो भी हम दे सकते हैं। पेशेंट एक बार जब शांत हो जाता है तब पेशेंट का हम काउंसिलिंग और मोटिवेशन भी कर सकते हैं। हम हमारे हॉस्पिटल में कैनाबिस जो ग्रुप है वो भी चलाते हैं, जिसमें अलग अलग पेशेंट टाइम टू टाइम आते हैं जिन्होंने गांजा लिया है, भांग लिया है, लेकिन अभी उनको छुटकारा मिल गया है। वो अलग अलग लोग आते हैं, हमको मिलते हैं, एक-एक से डिस्कस करते हैं कि गांजा छोड़ने के कारण उन्हें क्या उपलब्ध हुआ है, ऐसा पूरा डिस्कस करते हैं और एक-एक को सहायता करते हैं, मोटिवेशन देते हैं। साथ में ही कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी में हम पेशेंट का बिहेवियर अच्छा करने का कोशिश करते हैं, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब जो पेशेंट गांजा और भांग छोड़ चुका है उसे कैसे हम पॉजिटिवली रीइंफोर्स करके उनको मोटिवेशन देके कैसे उनके लाइफ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा हम उन्हें बताते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है। वीडियो डालने का ये मेरा इंटेंशन था कि गांजा और भांग से जो जो आजकल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, यंग यूथ जो लोग हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो अगर वो अच्छे से ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, और अगर पेशेंट ठीक हुआ तो पेशेंट के साथ साथ पूरी फैमिली जो डिस्टर्ब हो गई है, मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ बच्चे जो सब डिस्टर्ब हो गए हैं, वो एक अच्छे लाइन पे आएंगे और हैप्पीली और पीसफुली जिंदगी जी सकेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो ये जरूर लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी और भी वीडियोज लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।